हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 18 में। हम 30 डे की इंपॉर्टेंट नोट सीरीज में चल रहे हैं और उसमें हम पॉइंट नंबर 484 पे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का पहला पॉइंट है सिंकिंग फंड फैक्टर है। तो सिंकिंग फंड फैक्टर में क्या पता है कि आई अपॉन वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है। तो इसी में क्या करेंगे, इसी में वन प्लस आई की पावर एंड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिकवरी फैक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंकिंग फंड फैक्टर इंटू वन प्लस आई की पावर एंड कर देना। ठीक है, फिर अगली चीज़ आती है कि बॉक्सिंग क्या होता है। तो देखिए जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स में जो ये जो लेटरली जो एग्रीगेट्स प्लेस करते हैं यहाँ पे, ताकि उसको लेटरल स्टेबिलिटी मिले स्लीपर्स को, इसी क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग करते हैं उसको। अच्छे से जो पैकिंग करते हैं उसी से बैलेंस से, उसी को क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग बोलते हैं। फिर क्या बात है कि फिर रैपिडली वेरिंग स्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल कौन सा होता है, हाइड्रोलिक जम्प, शॉक वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। ठीक है, रैपिडली वेरिंग अनस्टेडी अगर फ्लो है तो क्या हो जाएगा, सर्ज हो जाएगा। सर्ज उसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि सर्ज वेव क्या करती है, वेव ट्रैवल करती है, तो इसलिए वो अनस्टेडी हो जाता है। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ आती है कि जो ओपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें एग्जाम में याद रखने हैं, जैसे कि एलुमिना अपॉन आयरन ऑक्साइड का रेशियो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से लाइम सेचुरेशन फैक्टर 1.66 से 1.02 तक ही वैरी करेगा। ठीक है, बात करें क्लोराइड कंटेंट की तो 0.1% होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सल्फर की बात करें तो 3.5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन इग्निशन और इनसॉल्युबल रेसिड्यू दोनों ही क्या, 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो दोनों पॉइंट है, और जो सल्फर वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फर 3.5% ज़्यादा नहीं, लॉस ऑन इग्निशन और इनसॉल्युबल रेसिड्यू दोनों ही 5% ज़्यादा नहीं, और मैग्नीशिया 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये हमने ओपीसी 33 के लिए पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में हमसे पूछ दे कि ओपीसी 53 के लिए लॉस ऑन इग्निशन या फिर इनसॉल्युबल रेसिड्यू कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉस ऑन इग्निशन ओपीसी 53 के लिए 4% होता है, लेकिन 33 और 43 के लिए 5% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपीसी 33 और 43 के लिए लॉस ऑन इग्निशन जो है वो केवल 5% है, लेकिन 53 के लिए 4% है। ठीक है, फिर बात करें कि फैच और हाइट ऑफ वेव कितनी होगी। अगर फैच 32 किलोमीटर से ज़्यादा का है तो हमें बस यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइट ऑफ वेव मीटर में यहाँ पे निकल के आएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.032 इंटू में VF हो जाएगा। V वेलोसिटी होती है, के MPH, ठीक है, फैच क्या होता है, किलोमीटर्स में होता है। ठीक है, तो ये इजी फॉर्मूला आई थिंक आपको याद ही होगा। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि डबल साइटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डबल साइटिंग का मतलब क्या है कि हम ट्वाइस मेजरमेंट करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल की एक ही जगह से दो बार मेजरमेंट लेते हैं। एक बार मेजरमेंट लेते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में, और दूसरी बार लेते हैं इन्वर्टेड कंडीशन में। तो टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब है, कल मैंने बताया था कि आपको फेस लेफ्ट होना चाहिए और बबल क्या होना चाहिए, एब अप होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन हो गया। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड कंडीशन की बात करें तो फेस राइट होना चाहिए, बबल डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहे कि नॉर्मल और इन्वर्टेड कंडीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर बात करें ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो हमें पता है कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक्टिव कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, सेमी एक्टिव हो सकता है, या फिर पैसिव कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। तो एक्टिव में हमें पता है ट्रैफिक सिग्नल ही होता है ना। सेमी की बात करें तो हमने वहाँ पर रोटरी बना दिया, चैनलाइजिंग आइलैंड्स बना दिया है ना। पैसिव की बात करें तो हम ट्रैफिक साइन बना दे रहे हैं, रूट मार्कर्स वहाँ बना रखे हैं, स्पीड लिमिट वहाँ बना रखे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पैसिव कंट्रोल है ना। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम वर्टिकल कट ऑफ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ किसका होता है, ये मैक्स स्कावर डेप्थ का होता है और सेफ एग्जिट ग्रेडियंट का होता है। ठीक है, जो एग्जिट ग्रेडियंट आएगा उस पे, और जो डेप्थ ऑफ स्कावर होगी मैक्स उस पे डिपेंड करेगा, क्या, डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम वर्टिकल कट ऑफ। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो IS कोड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे हमें हमें पता है कि IS 456 तो हमेशा याद रहता है कि प्लेन और रीइंफोर्स कंक्रीट का है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भैया 455 किसका है, तो हम फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा जो 455 है वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का है। ठीक है, 455, 456 तो हमें पता ही, प्लेन एंड रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का है। 457 किसका है, तो 457 मास कंक्रीटिंग और डैम्स के लिए है। ठीक है, 457 किसका है, डैम्स और मास स्ट्रक्चर्स के लिए। 458 किसका है, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स के लिए। तो देखिए 56 के आगे पीछे वाला, मतलब 55, 455 एंड 457 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 455 इज़
वॉट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एंड 457 इज वॉट आरसीसी डैम्स एंड मासेस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 56 आपको हमेशा याद रहता है, तो एक आगे पीछे भी याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें परमिसेबल वाटर एब्जॉर्प्शन इन स्टोन, तो देखिए सैंड स्टोन लाइम स्टोन सेल के लिए 10% का अलाउबल है, स्लेट के लिए 1% का। ठीक है, फिर बात करें परमिसेबल वियर की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग बार बार इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, इवन मुझसे भी कई बार ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो परमिसेबल वियर इन स्टोन्स होता है वो 3% जो होता है वो बिल्डिंग स्टोन के लिए होता है, रोड वर्क के लिए 2% होता है। तो क्वेश्चन में ध्यान से अगर उसने कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया तब हम मानेंगे कि वो जो स्टोन वर्क है वो बिल्डिंग वर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो नॉर्मल बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहा है तो 3% आंसर लगाएंगे, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि रोड वर्क है तो 2% ही लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग वर्क में 3%, रोड वर्क में 2%। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डुअल रोल इवेंट्स कितने होते हैं एक नेटवर्क में, तो हमें पता है n-2 ही हो सकते हैं। डुअल रोल का मतलब क्या है कि जिसकी प्रिसीडिंग भी हो जिसकी सक्सीडिंग भी हो। तो देखिए जो पहली एक्टिविटी होती है स्टार्ट एक्टिविटी और जो एंड एक्टिविटी उसकी एंड की सक्सीडिंग नहीं होती है और स्टार्टिंग की प्रिसीडिंग नहीं होती, तो ये तो डुअल रोल इवेंट्स हुए नहीं, ये तो सिंगुलर इवेंट्स हुए, है ना। तो डुअल रोल इवेंट्स क्या होंगे, इन दोनों को छोड़ के ही होंगे, तो n-2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन कितनी होनी चाहिए, अगर फाउंडेशन की बात करें तो 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि 1.5 टाइम्स क्या होनी चाहिए, फुटिंग की विड्थ की होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करें शेप नंबर क्या होता है, देखिए एग्जाम में कई बार शेप नंबर पूछ जाता है, शेप नंबर कुछ भी नहीं है, जो नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड जो फॉर्मूला है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पंप बोलते हैं। तो हमने पढ़ा ये एन इजकल्ट क्या होता है, एन एस इजकल्ट क्या होता है, एन अंडर रूट में क्यू इंटू अपॉन एच की पावर 3/4 कर देते हैं। ठीक है, इंटू में जी भी होता है, जी की पावर 3/4 भी होता है, तभी वो क्या होगा, नॉन डायमेंशनल होगा। अगर जी उसमें एच में मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, पंप के केस टर्बाइन केस में क्या होता है, एन इंटू में अंडर रूट पी बाई रो हो जाता है यहाँ पे, है ना, जी एच की पावर 5/4 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगली चीज़ है डीफ्लोरिडेशन किसे किसे कर सकते हैं, तो देखिए हमने पहले ही पढ़ा है अदर मेथड्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो नालगोंडा टेक्निक और प्रशांति टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हमें पता है प्रशांति टेक्नोलॉजी में क्या, एक्टिवेटेड एलुमिना का इस्तेमाल करते हैं, नालगोंडा टेक्निक में हम लाइम एलम और क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नालगोंडा टेक्निक में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइम एलम और ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्ट लेबलिंग के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग जिसे हम स्टेडिया लेबलिंग भी कहते हैं, क्या है ये, इनडायरेक्ट लेबलिंग ही तो है, बैरोमेट्रिक प्रेशर से मेजर कर रहे हैं, हिप्सोमेट्रिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से मेजर कर रहे हैं ना, तो ये सब इनडायरेक्ट वे ऑफ लेबलिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है प्लेट लोड टेस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार इसका आईएस कोड ही पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए इसका आईएस कोड क्या है, IS 1888 है, और इससे क्या निकलता है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकलता है। ठीक है, जिससे हम क्या निकालते हैं, अलाउबल लोड जो एक्सेप्टेड होता है वो क्या निकालते हैं, देखिए वो लोड जिसपे सेटलमेंट क्या हो जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए, मतलब कंटिन्यूस, जैसे मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन रहा है तो सेटलमेंट ऐसे बिल्कुल प्रोग्रेसिव हो गई, है ना, जैसे ऐसे सेटलमेंट बिल्कुल प्रोग्रेसिव हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे कि वो लोड लेना जिसपे सेटलमेंट प्रोग्रेसिव हो गई। ठीक है, फिर या फिर वो लोड जिसपे जो लोडिंग प्रेशर वो एक्सीड कर जाए कितना, अलाउबल लोड के 3 times है ना, जो लोडिंग प्रेशर है वो 3 times एक्सीड कर जाए तो हम क्या करेंगे, वो लोडिंग प्रेशर को ले सकते हैं ना। फिर बात करें टोटल सेटलमेंट जो हो वो 10% ऑफ डाया हो जाए, है ना, मान लीजिए ये जो प्लेट है जिसपे हम वो लगा रहे हैं तो इसका जो डाया होगा उसका 10% अगर सेटलमेंट हो गया तो भी वो लोड हम क्या ले लेंगे, अलाउबल लोड ऑन दैट वो ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लेट लोड टेस्ट और पाइल लोड टेस्ट दोनों के ही प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो जल्दी ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।